हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को हल करने वाले हैं। फ्रेंड आज हम एक्सरसाइज 1.4 को हल करने वाले, काफी आसान तरीके से हल करेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड इससे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वो भी पहले जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो काफी आसान तरीके से समझ में आएंगे। ये वीडियो अभी भी तो समझ में आए करेंगे, बट आप अगला अगर वीडियो देख लेते हैं, वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दिया गया वो वीडियो देख लेते हैं, तो आपको काफी आसान हो जाएंगे ये वीडियो को समझने में। तो चलिए फ्रेंड बिना समय गवाए आज हम एक्सरसाइज 1.4 को हल करते हैं। फ्रेंड पहले एक बात बता दूं कि हम पूरे तरीका से पूरा सवाल को हल करने वाला नहीं है। आपको हल करने का पूरा एक ऐसा स्टेप बताऊंगा जो आप पूरी क्वेश्चन को एक दफे में हल कर सकते हैं। इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना लंबित विभाजित किए हुए बताया कि यह शांत है कि अशांत है। काफी आसान है, हम लोग बचपन में पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी अगले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो अगले वाले वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए ताकि आपको एक वीडियो में देखने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, हम अपने क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं करना क्या, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, मेरे हाथ में बुक है, अपने हाथ में आप लोग बुक रख लीजिए। बुक देखने के बाद आप लोगों को काफी आसान हो जाएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबित विभाजित प्रक्रिया की बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत है, अशांत आवर्ती है, ठीक है? इसी तरीके का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम पर को बता देते हैं आपको, पहला क्वेश्चन नंबर जो है उसी से रिलेटेड दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है? मतलब कि हम लोग पहला क्वेश्चन में बताना है कि शांत है क्या शांत है। अगर जो पहला क्वेश्चन में जो संख्या शांत है उसको क्या करना है, दशमलव में बदल के उसका आंसर लिखना, ठीक है? तो काफी आसान है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों को दो एग्जाम्पल या चार एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है? आपको ये एग्जांपल देख के आप पूरा पूरे बुक का जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आप पूरा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को छोड़िएगा मत, वरना ये समझ में नहीं आने वाली कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए पहले हम एक दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आइए बोर्ड की तरफ। तो ये फिर हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे चार क्वेश्चन लिए हैं, आपको यही चार क्वेश्चन सिर्फ हम आपको बताएंगे और आप इस चार के क्वेश्चन के हिसाब से आप पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आप बस यहाँ पे पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि बिना लंबित विभाजित किए हुए आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ आपको, ये क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या दिया, इसको बताना कि यह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन रखा। तो पहले हम क्या करेंगे, बनाने के लिए पूरा स्टेप एक का पूरा स्टेप बता देते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा स्टेप हमको शॉर्टकट के तरीके से आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो एक पूरा का हम पूरा तरीका से लिख देते हैं कि ये क्या है नहीं है, तो इसके बारे में। तो पहले लिखिएगा, आपको यहाँ पे एग्जाम लिखना जो लिखिए पहले हल, ठीक है? यहाँ पे हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? यहाँ लिखिए दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिखिए आप दिया गया है, दिया गया देने के बाद क्या लिखिएगा, जो हमको यहाँ पे दिया वहां पर इसको ले लेंगे, ठीक है? लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला को हमको छेड़छाड़ करना, नीचे वाला जो हर है उसी को हमको छेड़छाड़ करना, ठीक है? तो इसी हम पहले वीडियो में पहले बता चुके हैं ये क्या चीज़ है, ये कैसा होता है नहीं होता, इसको कैसे रूप में आना चाहिए, पूरे तरीके से डिटेल में बता चुके हैं, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके, ठीक है? वो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो जाके देख ही लीजिएगा, ठीक है? अब इसको क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, इसको हमको क्या करना है, ये 17 है, इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, दो गुने है ना, दो ये निकालिएगा ना, आप ये निकालिएगा, ये निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इसको 17 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 लिख दीजिएगा, 3 है ना, 2 का पावर 3, अब 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 आया। अब इसमें क्या है कि हम पहले आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसका रूल है, अगर कोई भी संख्या में अगर 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m आता है तो यह संख्या क्या है, यह संख्या शांत है, यह संख्या क्या होगा, शांत होगा, ठीक है? नीचे वाला जो q है वो कौन रूप में होना चाहिए, 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है? 2 × 5 के रूप में, अगर 2 × 5 के रूप में है तो यह संख्या क्या है, शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। तो यहाँ देखिए 2 तो दिखाई पड़ रहा है, 5 नहीं दिखा रहा, तो 5 नहीं दिखाई पड़ा, तो अपनी मर्जी से क्या कीजिए, 5 को 3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है? ऊपर नीचे एक ले लीजिए ऐसे, फिर ये कर जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो इससे इस तरह लिख लेना है, इस तरह के बाद यहाँ पे लिख देना आपको कि इसको मिटा लेता हूँ बता देता, ठीक है? इसको आपको लिखना है कि यह दिया गया, यहाँ पे जो यहाँ माने दिया गया, तो चूंकि ये जो आया था ये क्या किस रूप का, ये मतलब कि मतलब 2 × यहाँ क्या लिखा है, 2 × n, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है ना, तो ये रूप का है, इसका मतलब परिमेय संख्या। तो चूंकि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है चूंकि दिए गए परिमेय, ठीक है? इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है? दिए गए परिमेय संख्या शॉर्ट पर लिखता हूँ, संख्या का दशमलव, ठीक है? इस तरह लिखना है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है? शांत है। अब ये हम बोल दिए इसका जो दिया गया दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है, तो हम लिख दिए, पर क्यों लिख, क्यों दशमलव प्रतिशत शांत है ये भी लिखना है, जहाँ ये भी लिखना है ना, इसलिए लिखना है, इसीलिए सॉरी यहाँ पे लिखना है जहाँ जहाँ क्यों जो है, क्यों किस किस के रूप है,
टू का पावर एन गुने फाइव के पावर एम के रूप का है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या होगा, यह परिमेय संख्या शांत है। आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कोई बात छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। इसी तरीके से लिख के आपको आंसर बताना। ये दो नंबर में हर बार बिहार भर में पूछा जाता है कि मतलब बताइए कि यह दशमलव संख्या शांत होगा कि आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरी की पूरी नंबर मिलेगी, इसमें एक नंबर भी कटौती नहीं। अगर स्टेप काटते हैं तो हो सकता है कि आपको नंबर काटने की मतलब काट सकता है, पर ऐसे लिखेगा तो आपको उम्मीद पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि एक नंबर भी नहीं काटेगा। आपको इस तरीके से आप बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से बनाइएगा कि अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो आप इसमें दे सकते हैं, सिंबल कोई दिक्कत नहीं। अगर जितना घटी जितना घटा हुआ है वहाँ पर थोड़ा ऊपर से बना करके नीचे डाल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए परिमेय संख्या शांत है, चूंकि यह इसका इसी रूप का है या परिमेय संख्या शांत है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इस टाइप में ना रहे कोई और टाइप में रहे तो क्या करना, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इसका क्या बताना, इसमें भी मेरे क्या यह परिमेय संख्या शांत है कि आसान है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमको बताना। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हल। हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हल। हल लिखना क्या लिखेंगे, दिया गया हमको क्या दिया है वो क्वेश्चन लिखना, ठीक है। दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। दिया गया देने के बाद क्या लिख लिया यहाँ पे, जो दिया वो लिख लीजिए, ठीक है। 13 बटा कितना 31 25 है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका हमको इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम निकालना तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालते, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 3, 31 और 25 का एलसीएम निकाला जाए तो कितना से लगाइएगा, 3 से तो लगाइए नहीं 5 से लगाइए, ठीक है। 5 से लगाइए यहाँ पे, तो 5 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, इसको लगाइए कितना, 6 5 30 बचेगा 10 2 और यहाँ पे बचेगा कितना 5, ठीक है। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 से लगाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 और यहाँ पे बच गया कितना 1 2, उसके बाद यहाँ पे दे दिए 5, इतना आ गया। फिर यहाँ पे कितना लीजिए, 5 से लगाइएगा, 5 से लगाइए 2 और 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 से लगाइए, मतलब 5 ही कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर कितना हो गया 5, तो 3 और यहाँ पे दीजिए 5 का पावर कितना है 5, है ना, 1 2 3 4 5, 5 का पावर कितना है 5 है, 5 पावर ले। अब इसमें देखिए 5 का पावर तो 5 है, मैं यहाँ 2 नहीं, तो आप अपनी मर्जी से 2 का पावर 5 लेके ऊपर से गुना कर सकते हैं 2 का पावर 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इस तरीके से लिख लिए तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 के रूप का है ये, यहाँ पर लिखिएगा यह परिमेय संख्या क्या है, दिया गया यहाँ पे, यहाँ देखिए चूंकि, ठीक है, चूंकि दिए गए परिमेय, ठीक है, इसी तरह लिखिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत, पहले जैसे लिखे थे वैसे ही दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत है। पता तो चल गया मैंने, जहाँ शांत इसलिए है जहाँ Q जो है वो किसके रूप का है, 2 × 2 की पावर m / 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है। इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। अब यहाँ पे तो परिमेय संख्या वाली बात हो गई, अब जब अपरिमेय संख्या वाली बात कैसे होगी, कैसे हम बताएंगे अपरिमेय संख्या, तो यह होगा परिमेय संख्या के साथ बात। अगर एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन अगर इस टाइप में आ रहा है आपको तोड़ने पर, तो समझिएगा वो जो एक संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या, वो एक परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग अपरिमेय संख्या बता सकते हैं ना, तो चलते हैं जो क्वेश्चन ऐसा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हल करते देखते हैं परिमेय संख्या क्या अपरिमेय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पॉज करके आप उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते, ठीक है, उतारिए इसको। तो ये फ्रेंड हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखना हल, ठीक है। हल लिखना क्या लिया, दिया गया है, सेम टू सेम कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, दिया गया है, क्या दिया गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन 6/15 दिया हुआ, ठीक है। आओ किसी को बताना कि क्या कौन संख्या है, यह परिमेय संख्या है पर शांत है कि आसान है, ये हमको बताना, ठीक है। तो चलिए इसको पता करना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका दशमलव प्रतिशत तोड़ेंगे, मतलब इसका एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 3 × 5 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ देखिए गौर से, यहाँ 3 के अंदर 5 तो है पर 3 भी है। हम पहले बता चुके अगर 2 × 5, 2 का पावर n और 5 का पावर m, इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो सीधा आंख मुंडे सीधा कहिएगा वो परिमेय संख्या अशांत है, ठीक है। वो परिमेय संख्या क्या है, अशांत है, सीधा चुपचाप। यहाँ पे 3 आ गया ना, तो 3 आ गया, यहाँ लिख रहा दिए गए, क्या लिख रहे यहाँ पे, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत, क्या दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत है, ठीक है, शांत है, जहां
सॉरी अशांत, सॉरी सॉरी माफ कीजिए, ठीक है, यहाँ पे अशांत है ना, यहाँ पे दशमलव प्रतिशत अशांत क्या है, अशांत है। जब ये दशमलव प्रतिशत अशांत हो गया तो बताना कि कैसे अशांत हो, ये बताना जहाँ क्यू जो है वो दो का पावर एम गुने फाइव का पावर एम के रूप का, दो का पावर एन गुने फाइव का पावर एम के रूप का नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है। जब ये रूप का है नहीं तो यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत है, इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत है, लिख लीजिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आइडिया आता होगा कि हम क्यों ना इसको, जब यहाँ पे फाइव है तो गुने ऊपर भी दुगुना कर दे, ऊपर भी दुगुना कर दे, अब ये दोनों आ गया, पर यह बता अगर ये दोनों आने के बावजूद भी अगर इस दोनों के अलावा अगर कोई भी संख्या इंक्लूड होता है या फिर इसमें ना भी रहे वो संख्या कोई दिक्कत नहीं है, अगर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस दोनों संख्या के अलावा कोई भी संख्या इंक्लूड होता है तो सीधा आंख में निकाल कहिएगा वह परिमेय संख्या अशांत है, ठीक है, वह परिमेय संख्या क्या अशांत है बिना कुछ सुने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे तोड़िएगा, नीचे दिखिए अगर दो फाइव के अलावा कुछ आ रहा है कोई भी संख्या तो सीधा कहिएगा वह परिमेय संख्या क्या अशांत है। इस तरीके से हमको पता करना है, पता कर लेते हैं कि परिमेय संख्या अशांत है कि अशांत है, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा दो नंबर में इस तरीके से आप हल कीजिएगा, बिना कुछ कहे दो नंबर बिना कुछ आपको देगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का था, हम आपको चार क्वेश्चन इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन इसी चार टाइप से में रहेंगे, ठीक है, तो आप इसको इस टाइप चार्ट में बना लेते हैं, चार टाइप का क्वेश्चन, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे इसका बड़ा हो या छोटा हो, आपको बस क्या करना है एक एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद इसको गुणा करके तोड़ के लिख देना, अगर दो और फाइव के अलावा कोई है तो वह अशांत है, अशांत है, अगर दो और फाइव के अलावा कुछ नहीं सिर्फ दो और फाइव है तो समझिए वो परिमेय संख्या क्या शांत है, ठीक है। अगर एलसीएम निकालने नहीं आता इससे पहले हम मेरे चैनल पे एलसीएम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, वो मेरे चैनल पे जाके एलसीएम वाला चैप्टर देख लीजिए कैसे बताएं, काफी आसान तरीके से बताएं, वो चीज आप सीख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहां कितना दिया हुआ है, 5 और 70 दिया, ठीक है, हमको ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाला से लेना देना, ठीक है, मेरे हर से लेना देना, यहां पे जो दिया यहां क्या लिखिए आप, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कितना 5/70, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम निकालेगा, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम निकालेगा तो 5 ऊपर का जगह दूर गया, इसका एलसीएम निकालेगा 2 गुने शायद आएगा कितना 35, इसका निकाले 70 का निकालिएगा, देखिए 2 से लगाएं कितना आ गया 35, 3 से लगाएगा नहीं 5 से लगाइएगा कितना आएगा 7×5=35 है ना, 5×7=35 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2×5×7। अब यहाँ देखिए 2 तो है 5 भी, पर यहाँ पे 60 में क्या है 7 है, हम आपको पहले बता दोगे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो वह संख्या क्या होगा अशांत होगा, ठीक है, वह संख्या क्या होगा अशांत होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि दिए गए, फिर वैसे पूछे दिए गए परिमेय संख्या क्या है अशांत है, दिए गए परिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत क्या है अशांत है इसीलिए जहाँ, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, हम आपको बता चुके लिखे हुए इसलिए नहीं लिख रहे, टाइम ज़्यादा हमको बचित हो, ठीक है, जहाँ क्यू जो है वो क्या है 2×n 2 का पावर n गुने 5 का पावर एम के रूप का नहीं है, ये है ना एन के रूप का नहीं है, ठीक है, इस तरह का आपको लिख देना नहीं है अच्छा नहीं, इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या अशांत है, यह परिमेय संख्या शांत है, सॉरी अशांत है, ठीक है। तो इसी तरीका से जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप इस तरीका से हल कर सकते, चार ही टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, इसी तरीका से रहेगा, ज्यादा कोई लोचना पचा नहीं करना, बस सिंपल तरीका से इस तरीके बना देना है आपको पूरी नंबर मिलेगी, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसलिए कुछ क्वेश्चन उठाए एनसीईआरटी का अब आपको बताया, ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन आप इसी टाइप से बनाएगा तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप आते हैं एनसीईआरटी यूट्यूब पे जाहिर सी बात है, कोई भी आता है तो लिखता है कि मतलब कि शांत आसान कैसे बना, तो आप ना सीखने की कोशिश कीजिए ना कि हल करने की कोशिश, ठीक है, अगर आप सीख जाइएगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए और सीखने की कैसे बनाया जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसे टाइप में दिया रहा है तो आपको निकालना रहता है, बताया कि यह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। अगर आप यहाँ पे क्या दिया रहता है कि यहाँ पे दिया रहता है जैसे 0.52 ये दे दिया, आप कहता है यह परिमेय संख्या है, अगर यह परिमेय संख्या है तो बताया यह शांत है कि अशांत है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरह में चार ऑप्शन लेंगे, चार क्वेश्चन लेंगे, आपको भी इस तरीके का चार क्वेश्चन हम बता देते हैं काफी आसान तरीके से, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दो क्वेश्चन पूछता है, तो ये वो दो क्वेश्चन हमको ऐसे ही टाइप से पूछा जाएगा, पूछेगा कि बता है यह परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो बता कि यह शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो पहले हमको चेक करना कि परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद हमको बताना कि यह शांत है कि अशांत है, ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से देखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको पहले बनाएंगे, ठीक है, इसको भी दो नंबर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इस तरीके को इसको कैसे हल करेंगे अभी हम देख रहे हैं। उससे पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि 4.1 में जो क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था कि बताएं कि यह संख्या इस टाइप का संख्या दिया रहता था, अब बोलता रहता था कि बताएं कि यह संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन ये बता देना कि शांत है कि अशांत है, पर यहाँ पे
दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जब ऊपर जो जितना भी पहला में जो क्वेश्चन दिया हो ना ऊपर में अगर जो भी संख्या शांत आया तो उसको क्या करना, दशमलव प्रसारण लिखना। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या है, शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको काट दीजिएगा कितना आएगा, दो। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये होगा। इस रूप में इसको लिखना, जो जो संख्या शांत मिलता है उसको आप क्या कीजिए, भाग करके पूरा पॉइंट में तोड़ दीजिए, इस तरह तोड़िए, ठीक है, इस तरह तोड़ के आपको बताना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। अभी हम बता दिए थे इसलिए ये बताना जरूरी है कि आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है पहले क्वेश्चन नंबर के आंसर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बना। हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन में कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करने के बाद आपको बताते हैं कि कौन परिमेय संख्या क्या होगा, कि शांत है कि अशांत है, शांत अशांत सॉरी परिमेय है कि नहीं, परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या पहले हमको पता करना है परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो हमको पता करना है यह शांत है कि अशांत, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमको देखा जाता है। चलिए देखिए ये क्या है कि देखिए ये बार से देखिए इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, इससे यह पता चलता है कि जो चिन्ह लगा हुआ है इस पे इसका मतलब ये है कि ये 64 जो है ना वो चलता रहा, ये 64 जो लिखा हुआ था तो 64 इस तरह लिखा हुआ, ठीक है। जैसे सिर्फ 64 ही चल रहा है, ठीक है, सिर्फ 64 चल रहा है। तो अगर इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की में एक 64 लिख के इसमें क्या करते हैं, एरो का हिट लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये रुक जाता है, इससे यह पता चलता है यह क्या है, एक ये सिर्फ 64 चल रहा है, तो इससे पता चलता है कि यह एक परिमेय संख्या तो है और यह क्या है, परिमेय संख्या के साथ अशांत, ठीक है, अशांत। अपरिमेय संख्या बताएंगे क्या है, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, अभी बता देते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या एक है, अगर जीरो है उसके साथ फिर एक है, फिर डबल जीरो बढ़ गया, फिर एक है, फिर ट्रिपल जीरो हो गया, बढ़ गया, फिर एक आया इस तरीके से चौपर जीरो हो गया, और फिर वन, फिर डॉट डॉट, इस तरीके से अगर जीरो बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो समझ जाइएगा इसका तो कोई अंत नहीं है, ये बढ़ता हुआ चला कि क्या हर एक एक जगह आगे एक एक जीरो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, इससे समझ जाएगा ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे आपको पूरा नजर लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बट यहाँ पे देखिए आप ये 64 जो चल रहा है सिर्फ 64 ही ना चल रहा है, इसे कुछ बढ़ रहा थोड़ी ना, बढ़ने सिर्फ 64 ही ना मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि परिमेय संख्या की अपरिमेय, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा इस तरह का, जब यहाँ पे ऐसे जीरो रहे, वन रहे, जीरो वन वन, जीरो वन वन वन, जीरो वन 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 वन, फिर जीरो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ वह सीधा कहिएगा कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये जो दिया रहेगा तो ये अगर इस पर आरोप हेड लगा रहेगा तो ये समझ जाएगा कि यह परिमेय संख्या तो है पर यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। और यहाँ पे एरो का हेड ही लगा रहेगा तो सीधा समझ जाएगा यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या तक कीजिए शांत, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया जाता है, इसको बनाइए कैसे, इसको थोड़ा सा थ्योरी में कैसे लिखिए तो आइए बताते हैं। फ्रेंड देखते हैं इसको पहले क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पे जैसे पहले बनाते थे वैसे, ठीक है। इसको लिखना है हल, हल लिखना क्या लिखना है, इसको मान लेना, ठीक है, क्या मानना है, इसको माना कि इसको एक मान लेना है, मान कर लिखना है ए बराबर जो दिया हुआ है, आप क्या दिया हुआ 2.0568, इस पर क्या लिखा हुआ है, ये एक एरो का हेड लगाया हुआ है। अब ये एरो का हेड ये क्या है, दशमलव है ना, दशमलव में है ना, तो इसको लिखना है कि चूंकि दिए गए दशमलव, क्या लिखिएगा, दिए गए दशमलव, दिए गए दशमलव विस्तार, क्या लिखे यहाँ पे, विस्तार, दिए गए दशमलव विस्तार जो है वो क्या है, आवर्ती, आवर्ती मतलब होता है चलता रहा, चल रहा है ना, रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है, तो चल रहा था आवर्ती लिखिएगा, तो आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है ना, चूंकि यह दिए गए दशमलव विस्तार क्या है, आवर्ती है, इसीलिए यह परिमेय संख्या, यह क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह क्या, जब आवर्ती है, समझ में आगे दशमलव पड़ता है, आवर्ती मतलब ये चलते रहा, मतलब एक ही बार चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है, जब एक ही बार चल रहा है ना, इससे हमको पता है क्या है, दशमलव पड़ता आवर्ती है, मतलब ये एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या जिसको हम लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी बटा क्यू के रूप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या क्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, जब ये पी बटा क्यू के रूप में होता है तो ये देखिए ये आवर्ती है, चल रहा है ना, आप कोई भी क्वेश्चन को अगर हल कीजिएगा तो पता चलेगा चलता रहता, ठीक है, तो चलता रहता है। जैसे यहाँ देखिए 4/3 है, अगर 4/3 को भाग दीजिए 1.3333 आता जाएगा, ये रुके ये जो क्या इसमें वो एरो का हेड लगा दीजिए। अब एरो का हेड लगाइए, अगर आपको बताया ये बताया ये परिमेय संख्या शांत कैसा है तो आप आंख मुंह बहुत भूल सकते हैं, यहां परिमेय संख्या आसान है क्योंकि इसके अंदर 5 ना 2 है, ना 2 है ना गुने 5 है, ना दोनों में से कोई, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है, अगर दोनों में से दोनों है, अगर ये है तो फिर भी नहीं होगा, पर सिर्फ मैंने होना चाहिए कि 2 गुने 5 होना चाहिए, अगर इस दोनों के बीच में दोनों में से कोई अलग भी है, अगर इस दोनों के अलावा कुछ है तो परिमेय संख्या है, अगर सॉरी अशांत है, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों का ये शांत है, तो यहां पे साफ पता चल रहा है ये जो चल रहा है इसका मतलब कुछ ऐसा वर्ड जरूर होगा जो उसको डिवाइड गुणा करते चला जा रहा है ना, जो लगाते जा रहा वो आते हुआ जा रहा था, इस तरीके से हमें पता चला कि ये आसान था, ठीक है। तो यहां पे लिख देना यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, अशांत है जहां अशांत, इसके बारे में बताना है, जहां क्यू जो है इसमें 2^n × 5^m के रूप का नहीं है,
समझा, ये रूप का नहीं ना है, इसलिए क्या है यहाँ पर निम्न संख्या आसान थी। यह दशमलव दी है, दशमलव प्रतिशत क्या है, इसीलिए यहाँ पर लिखिए लास्ट लिख दिया गया, इसीलिए यह दशमलव दशमलव प्रतिशत क्या है अशांत, यह दशमलव प्रतिशत अशांत, ठीक है, यानी यह अशांत है, ठीक, इतना लिख दीजिए। तब यह इस टाइप करेगा तब, ठीक है, अब ये इस टाइप करेगा तो इसको कैसे बताना है, इसको भी तो बताना है ना, ये परिमेय संख्या क्या शांत है, क्या शांत है, तो ये हमको सीधा दिख रहा है कि ये शांत है, हमको सीधा दिख रहा है, और दिख रहा है तो इसको हमको क्या दो नंबर पूछा था, डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकते ये परिमेय संख्या ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आपको दो नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये फ्रेंड देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, ये देखना देखने हमको लग गया क्या ये शांत है, और हमको इसको प्रूफ करना बताना है, आपको लिखना है हल, क्या लिखना है हल, हल लिखना क्या लिखेगा, माना हम पहले बता चुके हैं, माना कि क्या लिखेगा, माना कि ए बराबर क्या लिखेगा, ए बराबर 3.245, ठीक है लिख लिया। अब यहाँ लिखने के बाद चूंकि यह दिए गए दशमलव प्रतिशत लिखिए, ठीक है, चूंकि दिए गए दशमलव प्रतिशत क्या है, सीधा दिख रहा है क्या है शांत है, कि भाई ये क्या है आवर्ती नहीं ना है, यह क्या आवर्ती नहीं है, आवर्ती रहता तो बोलते कि दिए गए दशमलव प्रतिशत क्या है, दशमलव विस्तार आवर्ती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है यह अपरिम या सॉरी यह क्या है मतलब कि अशांत है, तो यहाँ पे क्या शांत है, इसीलिए ये एक क्या है परिमेय, जब शांत दिए मतलब शांत शांत अशांत जब पता मेरे चल जाता है तो हम सीधा लिखते हैं ये क्या है परिमेय संख्या, क्या है एक परिमेय, यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या, ठीक है, इस तरह लिखते हैं ना, जब एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखने के बाद क्या, जब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं ना, पी बटा क्यू लिख सकते हैं, इसीलिए जब पी बटा क्यू लिख सकते हैं यहाँ लिखेंगे, इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या क्या है शांत है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या क्या शांत है। अब हमको कोई पोस्ट पूछ लेगा कि शांत है तो कैसे, यहाँ लिखे जहाँ क्यों जो है वो किस रूप का होना चाहिए, किस रूप जब शांत है तो किस रूप का होगा, टू का पावर एन और गुने फाइव का पावर एम के रूप का है, ठीक है, इसीलिए यह क्या यह परिमेय संख्या शांत, बस इसी तरीके से आपको लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि बता कि जीरो द वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो बढ़ता हुआ चला जाए तो समझ जाना ये डॉट डॉट लगा रहा था, सीधा समझ जाना ये जो परिमेय संख्या क्या ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या हम पहले ही बता चुके हैं, अपरिमेय संख्या जो होता है वो ना शांत होता है ना कि आसान होता है, ठीक है, इस तरीके से आप एनसीईआरटी का 1.4 का अब काफ़ी आसान तरीके से इसको पूरा हल कर सकते हैं, ये मेरा चार स्टेप है, ठीक है, अगर आप इस तरीके से वीडियो पूरा समझ में आ रहा है आपको पूरा समझ में आ गया तो गारंटी देते हैं कि आप पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट से, और आपको इसी तरीके से एग्जाम लिखना है, एक नंबर नहीं काटेगा, पूरा नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, तो आपको आई होप मतलब कि मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपसे भी कोई ज़्यादा फायदा उठा सके, अगर मतलब कि इसको देखने में आपको अच्छा लगा हो समझ में आया होगा तो वीडियो को क्या कीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अगर इसी तरीके का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और यार बहुत अलग हो गया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।